गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन नेट झारखंड के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज है नौ अप्रैल और आज हम लोग 9 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं दोस्तों 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स से जितने भी झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे सब पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करेगी दोस्तों डेली मॉर्निंग पाँच बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वीडियोस आया करती हैं तो आप इसे जरूर देखा करें साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई दोस्तों वहां पे आपको इस वीडियो की पी मिल जाया करती हैं ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है टाटा ग्रुप की कंपनी द्वारा बनाए गए कोविड नाइन्टीन स्क्रीनिंग टेस्ट किट के इस्तेमाल से न्यूनतम कितने समय में रिपोर्ट दी जा सकती है ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है कोविड नाइन्टीन स्क्रीनिंग टेस्ट किट के इस्तेमाल से न्यूनतम कितने समय में रिपोर्ट दी जा सकती है दोस्तों जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी द्वारा बनाई गई है दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एक घंटा ऑप्शन बी दो घंटे ऑप्शन सी डेढ़ घंटे या ऑप्शन डी आधे घंटे ठीक है दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है और इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए एक घंटा ठीक है एक घंटे का मैक्सिमम में समय लिया जाता है एक घंटे के अंदर दोस्तों इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है उसकी रिजल्ट दे दी जाती है ठीक है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो आपको दे दी जाती है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है दोस्तों इसकी डिटेल्स में देख लेते हैं टाटा ट्रस्ट की इकाई इंडिया हेल्थ फंड द्वारा समर्थित मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नेफ्रोलॉजिस्ट तैयार किया है जिसके उपयोग को आई द्वारा बहुत ही कम समय में प्रमाणित करते हुए अनुमति दी गई है कोविड नाइन्टीन के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इस किट का इस्तेमाल किया जाएगा और टेस्ट की जो रिपोर्ट है दोस्तों घंटे भर में मिल सकते हैं ठीक है सो दोस्तों इस किट की जांच में तेरह सौ पचास रुपये का या उससे कम खर्च आएगा ठीक है तो दोस्तों इसके डिटेल्स में हम लोगों ने देखा कि इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो मिनिमम अमाउंट है तेरह सौ पचास या इससे कम का ठीक है और इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जो भी पेशेंट है या फिर संदिग्ध है तो उसकी जो पेशेंट की टेस्ट होती है उसमें मैक्सिमम जो समय लिया जाता है वो एक घंटे का समय लिया जाता है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को चलते दोस्तों और आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के किस संस्थान द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण हटाने वाली चैम्बर का निर्माण किया गया है ठीक है किस संस्थान द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण हटाने वाली चैम्बर का निर्माण किया गया है ठीक है दोस्तों इसका जो इसके लिए ऑप्शन हैं बी आई टी ऑप्शन बी एन आई टी जमशेदपुर ऑप्शन सी आई आई टी आई एस एम धनबाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है और इसमें जो राइट आंसर दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आई आई टी आई एस एम धनबाद ठीक है दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आई आई टी आई एस एम धनबाद ठीक है तो दोस्तों ये संस्थान है आईआईटी धनबाद जहाँ पे कोरोना वायरस संक्रमण हटाने वाली चैम्बर का निर्माण किया गया ठीक है दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण हटाने वाली चैम्बर का निर्माण किया गया दोस्तों चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आईआईटी आईएसएम की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने संक्रमण हटाने वाली चैम्बर का निर्माण किया है ठीक है दोस्तों ये जो आईआईटी धनबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने संक्रमण हटाने वाली चैम्बर का निर्माण किया दोस्तों इस चैम्बर का पहला प्रोटोटाइप आईआईटी के मुख्य द्वार पर लगाया गया है ठीक है इसका निर्माण संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में शिक्षक प्रोफेसर ए आर दीक्षित व उनकी टीम ने किया है ठीक है जो इनका डेवलपर हैं ए आर दीक्षित हैं और उनकी टीम है ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत किस राज्य से हुई है ठीक है भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो उसकी जो शुरुआत की गई किस राज्य से हुई है ये आपको बताना है ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शन ए बिहार ऑप्शन बी झारखंड ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी राजस्थान दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों झारखंड से पहली बार भारत में शुरुआत की गई है खेल दिवस मनाने की अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ठीक है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत की गई है भारत के झारखंड राज्य से ठीक है चलिए पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों हाल ही में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में झारखंड की ओर से बोकारो के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी जयदीप सरकार ठीक है ये वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं जयदीप सरकार ने बताया कि 2014 में 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा हुई थी भारत में पहली बार 2014 से ही झारखंड ने इसकी शुरुआत की ठीक है दोस्तों झारखंड ने इसकी शुरुआत की थी 2014 से ही और 6 अप्रैल 2014 को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा हुई थी ठीक है दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है दोस्तों झारखंड के किस अस्पताल द्वारा खुद की पीपीई किट तैयार की गई है ठीक है खुद की पीपीई जो है किट तैयार की गई दोस्तों तो किस अस्पताल के द्वारा तैयार की गई है वो आपको बताना है इसमें ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रिम्स रांची ऑप्शन बी एम, एम हॉस्पिटल जमशेदपुर इसमें जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो केवल ए या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों सो so, दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है और जो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केवल ए ठीक है केवल ए दैट मीन्स रिम्स रांची ठीक है दोस्तों रिम्स रांची के द्वारा ठीक है रिम्स रांची के द्वारा जो है खुद की पीपीई किट तैयार की गई है ठीक है चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों रिम्स ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद का पी किट तैयार किया है इसे तैयार करने में रिम्स को प्रति किट 200 से 300 रुपए की लागत आई है कितने रुपए की लागत आई है दोस्तों बहुत ही मिनिमम अमाउंट लगा है 200 से 300 रुपए की लागत आई है रिम्स प्रबंधन ने बताया कि इस किट की डिज़ाइनिंग डॉक्टर निशित एक्का द्वारा की गई है ठीक है निशित एक्का इनका नाम है ये इनके डिजाइनर हैं ठीक है थीके? इनको जो डिजाइनिंग की गई है वो है निशित एक्का ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और आज का अगला प्रश्न है दोस्तों झारखंड में पहला मिल्क पाउडर प्लांट खोलने की घोषणा की गई है इसमें अधिकतम दूध सुखाने की क्षमता कितनी होगी ठीक है दोस्तों इसमें एक बार में कितने दूध सुखा सकते हैं इस पावर प्लांट के द्वारा दोस्तों वो आपको बताना है जो कि झारखंड में पहला मिल्क पाउडर प्लांट खोलने की घोषणा की गई हाल में ठीक है तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दस मीट्रिक टन ऑप्शन बी बीस मीट्रिक टन ऑप्शन सी तीस मीट्रिक टन या ऑप्शन डी पच्चीस मीट्रिक टन ठीक है तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम कितने दूध सुखा सकते हैं सो तो, इसमें जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी तीस मीट्रिक टन ठीक है तीस मीट्रिक टन इसमें अधिकतम दूध सुखाने की क्षमता है ठीक है चलिए पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों राज्य के किसानों के दूध की पूरी कीमत मिल सके इसे लेकर सरकार पहली मिल्क पाउडर प्लांट खोलेगी ठीक है पहली मिल्क पाउडर प्लांट खोलेगी दोस्तों इसमें तीस मीट्रिक टन दूध सुखाने की व्यवस्था होगी राज्य के पच्चीस हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा ठीक तो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे जरूर याद रखा कीजिए चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों और आज का अगला प्रश्न है झारखंड के किस कोर्ट द्वारा पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेल की सुनवाई हुई ठीक है दोस्तों वहाँ पे जो कैदी थे उनकी जो बेल की सुनवाई की गई किस कोर्ट द्वारा पहली बार इतिहास में पहली बार दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेल की सुनवाई की गई है इसके लिए ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सिविल कोर्ट ऑप्शन बी हाई कोर्ट ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो इसके लिए जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए सिविल कोर्ट द्वारा ठीक है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों सिविल कोर्ट द्वारा पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेल की सुनवाई हुई है ठीक है चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेल की सुनवाई हुई सिविल कोर्ट के इतिहास में बेल की यह पहली सुनवाई है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस सुनवाई की विशेषता यह थी कि सभी अपने आवाज़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े ठीक है दोस्तों तो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अपने आवाज़ से ही जुड़े थे ठीक है पक्ष और विपक्ष दोनों ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों और आज का अगला प्रश्न है कोविड नाइन्टीन को लेकर लॉकडाउन में सर्वाधिक गिरफ्तारी झारखंड के किस जिले में हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड है जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है देश में ठीक है तो इस दरमियान सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई दोस्तों झारखंड के किस जिले में हुई है ये आपको बताना है दोस्तों इसमें ऑप्शनस हैं रांची जमशेदपुर धनबाद या बोकारो ठीक है तो दोस्तों इसमें जो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर जमशेदपुर ठीक है जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर ठीक है चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में कुल 350 मामले दर्ज किए गए कितने मामले दोस्तों 350 मामले दर्ज किए गए हैं लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा उल्लंघन करने वालों में राजधानी रांची का नाम है सबसे ज़्यादा उल्लंघन रांची के पब्लिक के द्वारा की गई है दोस्तों सो so, यहाँ जो पॉइंट है दोस्तों रांची का नाम है सबसे हाईलाइट में जो कि उल्लंघन करने वालों में वहाँ पे ज़्यादा केस दर्ज है ठीक है प्राथमिकी दर्ज है लेकिन गिरफ्तारी हुई दोस्तों जमशेदपुर में ठीक है जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है और सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकी दर्ज है वो रांची में दर्ज है ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न है जो कि आंसर ऑफ द डे है ठीक है आपको पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे में दोस्तों उसके लिए आंसर हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था वह है चीन में दस दिनों के अंदर बनाए गए अस्पताल में झारखंड के कितने लोगों की मदद ली गई ठीक है दोस्तों झारखंड में झारखंड के कितने लोगों की मदद ली गई थी जो कि चीन में दस दिनों के अंदर अस्पताल बनाया गया था ठीक है तो उसमें कितने लोग झारखंड के हेल्पर थे जो कि जिन्होंने हेल्प किया ठीक है इसमें ऑप्शन हैं दोस्तों ऑप्शन ए दो ऑप्शन बी पाँच ऑप्शन सी तीन या ऑप्शन डी दस ठीक है सो इसमें जो राइट right आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तीन लोगों की मदद ली गई थी ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर झारखंड के तीन व्यक्ति थे जिन्होंने मदद की थी ठीक है चलिए पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं यहाँ पे झारखंड में चांदिल के धीरज व नितिन तथा रांची के हर्षवर्धन ठीक है चांडिल के धीरज व नितिन तथा रांची के दोस्तों हर्षवर्धन रांची झारखंड में स्थित है और चांडिल भी झारखंड में स्थित है दोस्तों इन दोनों शहरों के जो व्यक्ति हैं धीरज व नितिन तथा हर्षवर्धन ठीक है इन्होंने झार जो है चीन में बनाए गए अस्पताल में दस दिनों के अंदर करीब सत्तर मशीनों को बंगलुरु से रिमोट पर लेकर इंस्टॉल किया ठीक है बेंगलुरु से इन्होंने इंस्टॉल किया था दोस्तों रिमोट पर लेकर तो ये तीन पर्सन थे दोस्तों जिन्होंने चीन में बनाए अस्पताल में जो वहाँ पे अस्पताल बनाए गए थे उसमें इन लोगों का हाथ था इन्होंने हेल्प किया था ठीक है चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ़ द डे दे देख लेते दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ़ द डे है राज्य के कुल कितने जिलों में अब तक सेंट्रलाइज किचन बनाने की घोषणा की गई है ठीक है कितने जिले में सेंट्रलाइज किचन बनाने की घोषणा की है दोस्तों दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसके लिए जो एक ऑप्शन ऑप्शन बी सी पांच या ऑप्शन डी सात ठीक है प्रयास कीजिएगा आप इसका सही आंसर दे सकें तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर से लाइक ला, कीजिए दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों ताकि हमारे अन्य दोस्त भी वीडियो से जुड़ सकें इस चैनल से जुड़ सकें और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख सकें ठीक है चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों हैव नाइस डे